Hi everyone, I'm Raghi and in this video I'm going to explain you the solution regarding question number 1, which is on page number 40, class 9th, chapter 3, Atoms and Molecules, NCERT text. So let's have focus and have a look on the question now. Question here, calculate the molecular mass of H2O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 and CH3OH. हमें ये जो इतने सारे हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं इन सबके हमें मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं. तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास पता होना जरूरी है. तो क्या आपको पता है व्हाट इज एटॉमिक मास? सी, एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ एन एटम, अ सिंगल एटम. ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड और आई शुड से इट्स यूनिट इज यू. एटॉमिक मास की यूनिट क्या है? एटॉमिक मास की यूनिट है यू. ठीक है, एंड वॉट इज यू? इट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. और जो ये यू है इट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ अ सिंगल कार्बन 12 एटम. ठीक है, मोर ओवर जो हमारा एटॉमिक मास है वो इंक्लूड करता है मासेस किसके? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को इंक्लूड करता है जो एटम बनाते हैं. और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो एटॉमिक मास इंक्लूड्स the masses of 3 subatomic particles which make up an atom. और वो कौन कौन से हैं बताइए? प्रोटोन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मोर ओवर जो ये हमारा यू है इट इज इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स. ये बात हुई एटॉमिक मास की. तो आपको पता है जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके क्या क्या एटॉमिक मासेस हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस एंड आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. ये 1 से लेके 20 तक जो ये एटॉमिक नंबर्स हैं इनको आप एज इट इज याद कर लीजिए. ठीक है, बिकॉज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर. एक तरह से ये कई बुक्स में लिखा नहीं हुआ लेकिन ऐसा ही होता है. बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ ये चीज. ठीक है, लेकिन आपकी इजीनेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है, मोर ओवर आप ध्यान दीजिएगा जो मेरा एटॉमिक मास है मैंने बताया इट इज इक्वल्स टू या ये इंक्लूड करता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स, मैं इसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी रिगार्डिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर किस तरह से हम उनको कैलकुलेट करते हैं. लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप सिंपल ये याद रखिएगा ये बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ. तो प्लीज आप ये मत कहिएगा मुझे कि मैम ये बुक्स में तो कहीं नहीं लिखा लेकिन आपने बता दिया. आपकी इजीनेस के लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला बता रही हूँ कि जो एटॉमिक मास होता है इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है, किस तरह से हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया है वो मैं आपको एक डिफरेंट लेक्चर जब बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी. सो प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो. फाइन, ठीक है. तो एक तरह से क्या बोल रही हूँ मैं कि एटॉमिक नंबर जो है या कहिए एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास क्या है? इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है, देखिए मेरा कोई भी कंपाउंड लेती हूँ मैं, कोई भी एक्स कंपाउंड ले रही हूँ, ये मेरा एक कोई एक्स कंपाउंड है, इसके सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है
और इसके सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास नंबर लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, सपोज कीजिए कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या है, मैंने वहां क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है 12। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ऊपर तो लिखा होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर, और नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आई प्रॉमिस यू कि मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी जिसके अंदर मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास सबकी कैलकुलेशंस इजी फॉर्म में आपको करके दिखाऊंगी। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक मास जो होता है इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर, और ये भी ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक मास जो होता है वो इंक्लूड करता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को जो एक एटम बनाते हैं, जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मैंने आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बता दें कि एक्चुअल में एटॉमिक मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर मास की, जो हमें इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए आप कहेंगे मैम आप सीधे मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकती थी, लेकिन आई फील कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने से पहले आई थॉट कि आपको मैं बताऊं व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर। बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the atoms in a molecule of a substance. So molecular mass क्या है, जितने भी atoms हैं आपके molecule में, जो molecule आपको यहाँ दिया हुआ है, जितने भी atoms हैं एक particular molecule में, उन सभी atoms का atomic mass का sum, उसे हम कहेंगे molecular mass. मॉलिक्यूलर मास जो होता है इट इज देयरफॉर आई शुड से इट इज रिप्रेजेंटेड देयरफॉर एज अ रिलेटिव मास। मॉलिक्यूलर मास को हम एक तरह से रिलेटिव मास भी कह सकते हैं, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में। एक तरह से मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है उसको हम लिखेंगे यू, मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या है, मैंने रिप्रेजेंट की है किससे, यू से। तो हम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ यू, यू इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं सबके मॉलिक्यूलर मास की। तो देखिए एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है, 1। मैं H2 की बात कर रही हूँ, पहले H2 में एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर क्या है, वो भी 1 है। ठीक है, तो याद रखिएगा एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है, 1। मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मेरे पास कितने हाइड्रोजन से, 2। कितना एटॉमिक मास नंबर है हाइड्रोजन का, 1। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2U। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन में आते हैं, O2। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, 16। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। सो एटॉमिक मास इज ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल्स टू 16। और मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 इट इज इक्वल्स टू 32 U। सो मॉलिक्यूलर मास O2 का क्या हो गया, 32 U। U इज द एटॉमिक मास यूनिट। बात करते हैं क्लोरीन की, Cl2। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इट इज इक्वल्स टू 35.5। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो मेरा क्लोरीन का है इट इज 17। 17 × 2 इज 34। मैंने क्या बोला था, इट इज अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया था, लेकिन एक्चुअल के अंदर
जो एटॉमिक मास है एक सिंगल क्लोरीन एटम का वो है 35.5. तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कितने क्लोरीन है, 2 × 35.5 विच बिकम्स इज इक्वल टू 71 U. ओके, बात ये क्लियर हुई. आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे, CO2. तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, 12. कितने कार्बन एटम्स है, 1. सो 12 × 1 प्लस कितने ऑक्सीजन एटम है, 2. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16. तो 2 × 16 इट बिकम्स 12 + 32 विच इज इक्वल्स टू 44 U. ओके, नेक्स्ट आते हैं CH4 पे. ठीक है, अब CH4 की कैलकुलेशन करते हैं. CH4 की क्या कैलकुलेशन है, CH4 इज मीथेन. कितने कार्बन एटम्स है, 1 × 12. क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स है और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है, 1. सो इट बिकम्स 12 + 4 विच इज इक्वल्स टू 16 U. ठीक है, बात करते हैं C2H6 की, इथेन की. इट इज इक्वल्स टू वॉट, कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं और कार्बन एटम का एटॉमिक मास नंबर क्या है, 12 है. प्लस कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6. एटॉमिक मास क्या है, 1. तो इट इज इक्वल्स टू 24 + 6 इज इक्वल्स टू 30 U. बात करते हैं C2H4 की, इथीन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, सो देखिए 2 × 12 + 4 × 1 इट इक्वल्स टू 24 + 4 इट इज इक्वल्स टू 28 U. आते हैं अमोनिया पे, NH3. नाइट्रोजन कितना है, 1 एटम है नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, 14. तो 1 × 14 प्लस कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 3. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास नंबर क्या है, 1. इट इज इक्वल्स टू 14 + 3 इट बिकम 17 U. बात करते हैं द लास्ट वन, मिथेनॉल की, CH3OH. कितने कार्बन एटम्स है, 1 × 12 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम. प्लस कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 3 + 1 = 4. 4 हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास 1. प्लस कितने ऑक्सीजन एटम है, 1. और एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का, 16. तो इट बिकम्स 12 + 4 + 16. सो ये क्या हो गया, 12 + 4 इज 16. 16 + 16 इज इक्वल्स टू 32 U. ठीक है, तो मैंने आपको जितने भी यहाँ पर मुझे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उन सबका मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बता दिया है. आपको ये भी समझा दिया है कि व्हाट इज एटॉमिक मास. आपको ये भी बता दिया है व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास. आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन प्लीज लेट मी नो योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो. एंड दिस इज मीरा सेइंग यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर.